तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ और इंजीनियरिंग का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने अभी तक एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क के सारे टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, और सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपको ट्रिक से बताया गया था, और ऐसा ट्रिक जो कि आप 2 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी सवाल कर सकते हो। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप 199 का फीस देके हमारा व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली का डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है और सारे स्टडी मटेरियल कराए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो SI एंड CI जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि SI एंड CI के लिए मैं एक और जो पार्ट बना रहा हूँ ये वाला, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो जितने सारे आप सिलेबस देख रहे हैं आने वाले दिनों में, इसको भी हम लोग एक एक करके करेंगे। तो हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे क्रैश कोर्स के बारे में कि मैथ और इंजीनियरिंग का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो BPSC, पुलिस, SSC, रेलवे, डिफेंस, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे सवाल यहाँ पे आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे लेंदी नहीं समझाया जाएगा, और सारे के सारे फॉर्मुला बेस्ड और ट्रिक के साथ होंगे, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ वहाँ के क्वेश्चन ना होकर बल्कि जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी आपको बता दिया जाता है। तो इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, टाइम एंड वर्क हो, CI एंड SI हो, एवरेज हो, हर एक टॉपिक का वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ जो PDF मिलेगा आपको, उसमें सिर्फ आंसर नहीं रहेगा बल्कि उसके साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से कैसे हुआ। साथ ही साथ जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उनको व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप भी ऐड किया जाता है, जिसमें आप कोई भी आपका डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इन सब करने के बाद आपको मॉक टेस्ट का सीरीज लिया जाएगा, और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो गूगल पे, फोनपे या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, और उसके पहले आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पावर होता है, और कॉन्सेप्ट के बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। और मैंने बताया था कि जब रेट अगर हम लोग निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना रहता है, तो फॉर्मूला होता है एक साल का इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 1 ईयर का ही लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर का अगर हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। साथ ही CI 2 ईयर्स का अगर मैंने बताया था तो कैसे लिखना था, CI 2 ईयर्स का लिखना है और रेट दिया रहेगा, सपोज अगर 20% दिया तो कैसे लिखना था, 20 + 20 + 20 × 20 / 100। ये सब पहले का पार्ट 1 का बताया हुआ है, तो इस प्रकार से 44% आता है। अगर उसी तरह CI 3 ईयर्स का निकालना है तो कैसे मैंने बताया हुआ था कि 2 ईयर्स का परसेंटेज लेंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर का लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी फॉर्मूला पे आ जाएगा 72.6 आता है इस हिसाब से। तो अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 72.8 आता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया था। अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मैं ट्रिक बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने, आपको मिलता है 10 सेकंड, फटाफट इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है पिछले पार्ट 1 में करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ, देखो इसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा मैं, क्या जब भी दो तरीके का हो, दो तरीके का ब्याज दिया रहा है तो पहले लिख दो 6%, 8%, ठीक है। और ओवरऑल दे दिया है, औसत दे दिया है, तो इसको हम लोग बीच में रखेंगे। बस जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, ये कितना आएगा 0.4 आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1.6। रेशियो कितना का आ जा रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको काटेंगे, इसको काटते हैं, चलिए इसको काटेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 का रेशियो आ जाएगा, क्लियर है। अब यही 4:1 मतलब यही दो राशि है, अब इन्हीं दो राशि को मतलब अगर टोटल 5 कर दें, इन दोनों का राशि कितना हो जाएगा टोटल ऐड, यही 5 जो वैल्यू है वो 20,000 के बराबर है, क्लियर। तो एक कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू 4,000 आ जाएगा, क्लियर है। क्या पूछा गया है, 6% और 8% पर कौन कौन से दी गई थी, तो 6 वाले कितना, ये 4 है, तो यानी 4 × 4 तो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा आपका कितना 4,000, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे सवाल को ये मिक्सचर एंड एलिगेंस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले आगे बढ़ेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद एक बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जल्द से जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ और इंजीनियरिंग कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मिलता है 10 सेकंड, जल्दी बताइए।
चलिए टाइम्स अप हो गया, इसका हम लोग ट्रिक बताऊंगा मैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो क्या बोला कि इतना इतना और इतना के अनुपात में राशि निवेश की गई है, ठीक है, और इतना इतना और इतना परसेंटेज पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज पेश की गई है, चक्रवृद्धि ब्याज। और अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक वर्ष दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्ष के लिए, वन ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो वन ईयर के सीआई के बराबर ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दो ईयर आता है तो दिक्कत स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, तीन सपोज करो तीन की धनराशि है उसको 20% के हिसाब से, ठीक है, और चार की धनराशि है वो चार के अनुपात में 15/100, और यहाँ पे और क्या है पाँच है तो पाँच गुना यहाँ पे कितना 10/100, क्लियर है। तो इतने राशि में अनुपात में दिया जा रहा है, तो अनुपात क्या क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो आएगा जीरो, यहाँ पे भी आएगा 0.6 और यहाँ आएगा 0.5, ठीक है। यानी अगर हम लोग रेशियो अगर काटेंगे तो 6-6-5 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। ब्याज का अनुपात यही पूछा गया था, अच्छा है। चलो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये 20% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो सीआई और एसआई दोनों ही बराबर होते हैं, तो रेट इनटू टाइम करेंगे तो उसका ब्याज आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पिछले पार्ट वन में जरूर करा दिया गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने 2 सेकंड के ट्रिक वाले से मैंने बताया था इसको, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, चलिए आप बताइए। कैसे करेंगे इसको हम लोग बताओ, बहुत ही शानदार तरीके से बताया था मैंने, ये पार्ट भी मैंने बता दिया हुआ था लेकिन फिर से आपके लिए बता दे रहा हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या बोला, दो वर्षों में इतना और इतना वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 1.5 साल का, तो 1.5 साल में कितना हो जा रहा है, 969 में से अगर 918 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 51, ठीक है, तो 51 होता है। 1.5 साल में 51 रुपये हो जाते हैं, यानी 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 51 हो जाता है, तो एक का निकालेंगे कितना आएगा, 51 × 2/3, यानी आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 34 रुपीज़, यानी एक साल का ब्याज, वन ईयर का ब्याज जो है यहाँ पे 34 रुपये आ जाएगा, इतना आपको नोट करके रखना, 34, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, और यहाँ पे देखो ये जो दो वर्ष का क्या 918 रुपये हो जाता है, सपोज करो एक कोई धनराशि है दो वर्ष बाद इतना रुपये हो जाता है, तो 918 क्या है, ये मिश्र धन है ना, अमाउंट है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट एक साल का इतना है, तो ये दो वर्ष का है ना, तो दो वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 68 आ जाएगा, इसमें से 68 अगर हम माइनस कर देंगे तो 2 साल का मूलधन निकल जाएगा, तो 0 × 11 = 5, ये 850, क्लियर है। अब देखो क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया, तो मैंने बताया था रेट दिया रहा, तो एक साल का ब्याज गुना 100 / मूलधन, यही ना मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना, इंटरेस्ट का 34 है एक साल का, 100, और मूलधन कितना है 850 रुपये, खत्म बाजार। इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, यहाँ पे रेट जो है यहाँ पे 4% आया, कितना परसेंट, 4%, क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये बहुत ही शानदार तरीके है, देखो यहाँ पे ये जो अमाउंट दिया है वो दो वर्षों में इतना रुपये हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है, तो दो वर्षों में ये मिश्रधन है, तो दो वर्ष का ब्याज हमको घटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटा दिया, तो ये दो वर्ष का मूलधन आ गया, अब मूलधन आ गया तो यहाँ पे हम लोग बैठा दिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताइए, आपको मिलता है 10 सेकंड। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो चलिए इसको करते हैं शानदार तरीके से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, ध्यान से देखते रहना आपको, ठीक है। चलो क्या बोला यहाँ पे, इतना रुपये जो है 1.5 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 882 में से 720 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 162, 162 रुपये 1.5 साल में हुआ, तो एक साल के निकालेंगे तो 162 × 2/3 इधर 3 आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना आ जाएगा 54, और यहाँ पे आ जाएगा 108, ठीक है, तो एक साल का ब्याज जो है 108 रुपये हो गया, क्लियर है। चलो तो रेट पर से पहले रेट निकाल दो, रेट क्या निकाल सौ वर्ष, क्योंकि समान दर बोला है, तो रेट I × 100 / P होता है ना, मैंने बताया था, तो ब्याज कितना 108 रुपये है गुने 100, मूलधन कितना है 720 रुपये था, तो 720 हो जाएगा यहाँ पे, इसको काटो कितना, 0 से 0 कटेगा यहाँ पे, फिर 8 से कटेगा यहाँ पे, और यह आ जाएगा 15%, कितना परसेंट, 15%, रेट आ जाएगा 15%, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि उसी दर से, यानी 15% के रेट से ही 800 रुपये की दर से इतना रुपये बन जाएगी, इसका मतलब देखो यहाँ पे 15% का मतलब क्या हुआ, 15% रेट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, कैसे लिख सकते हैं, 15/100, 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में लिख सकते हैं ना,
तो 15% को 3/20 लिख देते हैं। यहाँ 3/20 में जो ऊपर वाला तो वह इंटरेस्ट होता है और नीचे वाला जो मूलधन होता है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला में देखो आर में, तो यहाँ पे नीचे क्या है मूलधन है, तो यह 20 मूलधन हो जाएगा और ऊपर क्या है आई इंटू 100, ये जो क्या है इंटरेस्ट है। क्लियर है? यानी मूलधन अगर आपका 20 यूनिट दे दिया हुआ है और इंटरेस्ट 3 यूनिट दे दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन जो यहाँ पे 800 रुपये है, तो हम लोग 20 को 800 के बराबर कर देंगे, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 40 आ गया, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 रुपये, 40 × 3 = 120 रुपये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 800 से 1040 करने के लिए कितना रुपये चाहिए इसको, कितना 240 रुपये, हमारे पास कितना 120 रुपये, यानी 120 को 240 करने के लिए कितना साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 2 ईयर्स लगेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखोगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इसको इस प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। जिनको भी समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करेंगे और बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलता है, 10 सेकेंड, जल्दी बताइए इसको। जो भी क्वेश्चन आप बता जाएंगे ना, पूरा इसी तरीके के एकदम आसान तरीके से बताएंगे, इसके बाहर और कोई भी तरीका नहीं है इजी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। चलिए कैसे करेंगे इसको, 2500 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो मैंने हमेशा बताया था, जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे, तो उसका मैंने बताया था कि क्या था, 2:1 एक रेशियो था, 3 ईयर का दे दिया रहे, मैंने पार्ट वन में बताया था, तो 3:1 होता है, और 4 ईयर का अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पूछ दे तो उसका रेशियो होता है 4:6:4:1, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4:6:4:1 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष के लिए मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, 2500 का 20% निकालो भाई, 25000 का 20% सॉरी, तो 25000 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 250 × 2 = 500, यहाँ पे 5000 आ जाएगा। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5000 का फिर 20% निकालो, कब तक निकालेंगे, 4 साल ना, तो 4 बार निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 रुपये। 1000 का 20% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे आ गया आपका 200। अब 200 का 20% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है, 4 बार निकल गया। अब वो रेशियो बैठा दो, 4:6:4:1 रेशियो था, तो 4:6:4:1 रेशियो से यहाँ पे गुना करना पड़ता है हमेशा, 4:6:4:1, ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल ब्याज जोड़ दो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5×20 यानी आपका यहाँ पे 20000 आ जाएगा, ठीक है। तो 20000, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6000, फिर आ जाएगा यहाँ पे 800, यहाँ आ जाएगा 40, टोटल ऐड करेंगे आ जाएगा 26840। क्लियर है? 26840, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जोड़ दो, अमाउंट पूछा हुआ ना, तो मूलधन में जोड़ दो, 26840 प्लस 25000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51840, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो तो ये आपको थोड़ा अगर लेंदी भी लगे ना, तो एक और तरीका है जो कि और आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये तरीका अच्छा है, ठीक है। चलो एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% दिया, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 लिख सकते हैं ना, 1/5 मतलब ये मूलधन है तो 1 बढ़ेगा ब्याज, तो अगर मूलधन पी है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कितने साल के लिए, 4 साल के, तो इसको 4 बार रिपीट कर देंगे हम लोग, 3 और ये हो गया 4, ठीक है। इस साइड वाले का गुना होता है, इस साइड वाले का गुना होता है, मतलब इन सब का आपस में गुना होगा, कितना जाएगा, 50, 25, 25, 25, 125, 25, 625, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6×36, 36×6, फिर 216 यहाँ पे 6×12=96, ये हो गया, मतलब मूलधन इतना था, ब्याज इतना हो गया। अब यही 625 क्वेश्चन में कितना दिया है, 25000 के बराबर दिया है, तो करो, तो 625 जो है इक्वल है 25000 के बराबर, तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा कितना, एक यूनिट का वैल्यू होगा आप कितना मन कटेगा, 625 4 बार में 40, तो यहाँ पे मिश्रधन निकाल दें आप, 40 से गुना कर दो, कितना आएगा, 6×24 और 9×36 और 2×38, तो 8×4 लास्ट में आ रहा है, 8×4 लास्ट में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे करना, ये क्या किया हम लोगों ने, इस साइड वाले को अपने में गुना कर दिए, इस साइड वाले को आपस में गुना कर दिए, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखें, ये प्रॉफिट यहाँ पे प्रिंसिपल है मूलधन, और ये अमाउंट यानी मिश्रधन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 शानदार तरीके से बताया जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए इसको कैसे करेंगे, चलिए
देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन में कराया गया था कि अगर टाइम दे दिया रहे और इतना गुना दिया उतना गुना दिया रहे और यहाँ पे साधारण ब्याज रहे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग बताया था कि 3 वर्षों में इतना हो गया तो कितने वर्षों में 5 और ये 13 लिखा हुआ है, तो हम लोग एन माइनस वन करके हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ÷ ? और यहाँ पे 4 ÷ 13 क्वेश्चन मार्क सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पूरा कर दिया मैंने, एक बार देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 उस टाइप का क्वेश्चन कराया गया था। अब जल्दी बताइए, आपको मिलता है 10 सेकेंड। शानदार तरीके से कराया जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपका छूटने वाला नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आप एसआई मेंस कर लो, यूपीएसआई कर लो, डीआरडीओ एमटीएस कर लो, सीजीएल कर लो, एसएससी कर लो, कोई भी एग्जाम कर लो ना, इसी लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो तो 23 है, कैसे करेंगे इसको हम लोग बताओ, कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं पिछले बार, पिछले पार्ट में करा, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि पिछले टाइप का है क्वेश्चन है, ध्यान से देखना होगा। इसमें पहले एक वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद उस हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से। और 2 वर्ष का मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, 15% का, तो करना अपना बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेट निकल के आएगा 15%, सॉल्व करना, होमवर्क क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी बताइए। कैसे करेंगे इसको हम लोग, शानदार तरीके से बताऊंगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 24 जल्द से जल्द आपको क्या करना है, इस नंबर पे जल्द से जल्द आपको पेमेंट करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। 199 का पर मंथ का फीस होता है, सारा एग्जाम क्लियर होगा यहाँ पे, इस लेवल के क्वेश्चंस और आंसर बताए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल के मैथ और रीजनिंग बताए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाता है धनराशि, है ना, तो 4 वर्ष बाद धनराशि क्या होगा, जब भी यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, एक ट्रिक है यहाँ पे, बहुत ही शानदार ट्रिक ये है कि जब भी दे दिया रहे धनराशि इतना रुपया इतना हो जाता है तो इतना रुपया कितना होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, ये दे दिया है 2500 मूलधन यानी प्रॉफिट, अमाउंट दे दिया है 8100। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 आएगा या 9 जाएगा, यानी 5 से 9 हो जा रहा है मूलधन जो है, 5 से 9 हो जा रहा है। तो और कितने वर्ष में पूछा, 4 वर्ष, बस इसको 4 बार रिपीट कर दो, ये ट्रिक है, खत्म बाजार। ये हो गया 625, ये हो गया आपका कितना, 6561 आएगा, 6561 आएगा। ठीक है, अब यही 625 के बराबर दिया है, 2500 के बराबर दिया है, तो एक का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, एक का वैल्यू 4 आ जाएगा, इसमें 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 4 6 चौका 24, 4 4 आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस खत्म बाजार, खत्म। चलिए एक बार और बता देता हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आया फिर से बता देता हूँ मैं, क्या करना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन दे दिया रहा है कि 2 वर्ष में इतना रुपये की धनराशि इतना हो जाती है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, हमेशा देखना क्या करेंगे कि यहाँ पे दे दिया 2500, ये क्या है, मूलधन है, हमेशा मूलधन होगा यहाँ पे, और हमेशा अमाउंट दिया रहेगा तभी ये क्वेश्चन करेंगे, और समय दे दिया है कि इतना वर्ष बाद कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट क्यों करेंगे, क्योंकि समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया, सपोज करो अगर 3 वर्ष दे दिया था, सपोज करो क्वेश्चन आता कि 3 वर्ष में 2500 रुपये इतना हो जाती है, तो उसका हम लोग क्यूब रूट करते, क्या करते, क्यूब रूट करते, उस हिसाब से उसको सॉल्व करते, और उसी हिसाब का डेटा भी दिया रहा था, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे इसलिए 2500 दिया और 8100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2500 है, समय के हिसाब से इसका रूट चढ़ाना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये अमाउंट है तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का, अब यहाँ से आ जाएगा 5, रेशियो अगर हम लोग काटें तो, और यहाँ से आ जाएगा 9, यानी मूलधन 5 था 9 हो गया, तो इसमें ब्याज जुड़ा होगा। ठीक है, अब यही पूछ रहा था कि धनराशि कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट ही पूछ रहा है ना वो, तो बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं है, 4 वर्ष बाद जो धनराशि होगी अमाउंट के साथ आएगी, तो 4 वर्ष बाद ना, तो 5 गुने यहाँ पे और कर दो। ठीक है, 5 बार लिख दो और गुना कर दो, सॉरी 4 बार लिख दो और गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 25 25 125 625 आ जाएगा, लेकिन मूलधन जो है हमारा दिया कितना हुआ, 2500 रुपये, यानी यही 625 रुपये जो दिया हुआ है, 625 2500 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आता है, इसी 4 में गुना कर दो, यहाँ पे जो अगर हम मल्टीप्लाई करना है 6561 आएगा, गुने 4 कर देंगे, लास्ट में 4 4 आ रहा है, और ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये था आज का सेशन, मज़ेदार ट्रिक है, इसके बाहर और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना, और इस तरह का क्वेश्चन बता दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये देखो इसको, ये भी करना है आपको, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है,
होमवर्क क्वेश्चन सब इसको करना है आप सभी को, ये सब होमवर्क क्वेश्चन आपका इसको करना है। तो ये था आज का वीडियो और आज का ट्रिक, अगर आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और सारे के सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो तो अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे PDF के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस करना, प्रेस करते हुए जब ऑप्शन पूछे तो ऑल पे क्लिक करना ताकि सारा का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज या कॉल करके पूरी जानकारी ले लेनी है। तो जल्दी करिए क्योंकि ऑफर अब खत्म हो रहा है और एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 3-4 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।